नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त की बात हम करने वाले हैं आम आदमी पार्टी से और हिमाचल विधानसभा चुनावों से। जी हाँ, इस साल के अंत में यानी कि इस साल के अंत में और अगले साल की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। 67 सीटों में से 44 सीटें के करीब वहां पर बीजेपी निकाल चुकी थी और ऐसा देखा गया कि बीजेपी वहां सत्ता में ठाकुर है और जयराम ठाकुर वहां के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसे देखकर तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वहां की बदलती रणनीति का, वहां की बदलती राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संरक्षक और यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान के साथ वहां पर रोड शो किया, बहुत बड़ी भीड़ जुटाने की कोशिश की गई, शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई, उसके बाद से बीजेपी में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है और ऐसा मचा हुआ है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक पासा फेंका है और वो पासा कुछ इस तरह का है कि आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हिमाचल विधानसभा चुनावों में इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशों में लगी हुई। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा दावा कर रही है आम आदमी पार्टी। तो क्या आम आदमी पार्टी दावा सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि पैनिक फैलाया जा सके बीजेपी समर्थकों में, बीजेपी के नेताओं में, और उसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उठा सके, और उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये भी देखने वाली बात है। देखने वाली बात ये भी रहेगी कि जिस तरह से वहां पर रोड शो किया गया और जो भीड़ उन्होंने जुटाई वो क्या बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, क्योंकि ऐसा दिखता है कि भीड़ तो हर बार ही जुटा ली जाती है लेकिन जरूरी नहीं है जो भीड़ आए वो आपके समर्थन में ही वोट करे। तो देखना होगा कि जो दो अलग अलग चीजें हैं उनको कैसे आम आदमी पार्टी एक साथ लेकर चलती है और बीजेपी का इस पर क्या रुख रहने वाला है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 News।